और अब चलिए संवैधानिक तौर से क्या प्रावधान है, कानून क्या प्रावधान है, समझने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है, इसके बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई, लेकिन क्या कहते हैं हमारे प्रावधान कि क्या आगे की प्रक्रिया होगी उनके सामने? जहाँ तक उनका सवाल है, वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते जा सकते हैं, और सदस्यता तो खत्म होगी उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं जी। बिल्कुल सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीते कुछ दौर में बड़े बड़े राजनेता जो इस तरीके से सामने आए, एक गैंगस्टर बन गए, चाहे अतीक की बात करें, मुख्तार की बात करें, अफजाल की बात करें, इन चीज़ों को रोकने के लिए संविधान में क्या कोई व्यवस्था थी या फिर उसको बनाने की ज़रूरत है? संविधान क्या कहता है, अगर कोई माननीय इस तरीके से आपराधिक हो जाए उसको रोकने की कोई व्यवस्था है क्या उसमें? होनी चाहिए, वो राजनीति का अपराधीकरण जिसको कहा जाता है वो बड़े स्केल पर हुआ है, और सभी दलों में आपराधिक तत्व हावी हो रहे हैं, उसके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए, संवैधानिक सुधार होना चाहिए, उसकी अत्यंत आवश्यकता है। बिल्कुल सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 4 साल की सजा सुनाई गई है, तो क्या तुरंत तत्काल प्रभाव से सदस्यता रद्द मानी जाएगी या फिर हाईकोर्ट में अपील तक का वक्त रहता है कि उनका रुख देखना पड़ेगा? नहीं, तुरंत सदस्यता तुरंत आज की तारीख से समाप्त मानी जाएगी, लेकिन अगर अपील में जीत जाते हैं तो बहाल हो सकती है। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप जी थे, और उनका कहना था कि जिस तरीके से ये फैसला आया है, तत्काल प्रभाव से सदस्यता रद्द हो गई है, हाईकोर्ट से अगर राहत मिलती है तो बहाल होगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में ऐसे प्रावधान करने की ज़रूरत अब आ गई है कि माननीयों को अपराधी और गैंगस्टर बनने से रोका जाए, या फिर कोई गैंगस्टर या अपराधी है तो उसे माननीय बनने से रोका जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।